बीच रास्ते से गाड़ी समेत चालक का अगवा कर लूटमार करने वाले एक गैंग का रांची पुलिस ने खुलासा किया है। इस गैंग में शामिल चार जनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके नाम मृत्युंजय सिंह उर्फ पप्पू, सुधीर सिंह, अंटू कुमार और बयास सिंह है। इसमें बयास सिंह को छोड़ बाकी तीनों बक्सर के रहने वाले हैं। वर्तमान में चारों खेलगांव थाना क्षेत्र में पनाह लिए हुए थे। इस गैंग के कारनामों का खुलासा करते हुए सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने बताया कि बीते 23 तारीख की रात एक कार पर सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर बुलेरो पिकअप वैन को अपने कब्जे में कर लिया था। कार से उतरे एक बदमाश ने पिकअप वैन की खुद स्टेयरिंग संभाल ली। चालक का भी अगवा कर लिया गया था। कुछ दूर जाने के बाद चालक रामदास को एक सुनसान जगह पर गाड़ी से उतार दिया गया था। राज्य पुलिस कप्तान एसके झा के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया। गठित एसआईटी ने लूटमार करने वाले चार क्रिमिनलों को धर दबोचा। इनके पास से लूटी गई बुलेरो पिकअप वैन और घटना में इस्तेमाल कार बरामद कर ली गई है। पकड़े गए सभी नए चेहरे हैं। हालांकि पुलिस इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि झारखंड से लूटी गई गाड़ियों को बिहार में औने पौने दाम में खपाने में यह गैंग माहिर है। 24 की रात्रि की ये बात है जिसमें कि हम लोगों को सूचना मिली कि एक बोलेरो की पिकअप गाड़ी, उसका लूट जो है नेवरी के निकट ओवरब्रिज है रिंग रोड पे, वहाँ पर कारित की गई है। उसमें यह बताया गया कि चार लोगों के द्वारा जो कि एक I-10 गाड़ी से मूव कर रहे थे, उन्होंने इस गाड़ी को ओवरटेक किया और फिर रोकने के बाद इसको लूट कर चलते गए। तत्पश्चात जो है इसकी सूचना जैसे ही मिली वहाँ के अधिकारियों के द्वारा, तो एक टीम का गठन किया गया जिसमें कि सदर थाना के इंस्पेक्टर साहब, मेसरा थाना, खेलगांव, ये इन सभी के थाना प्रभारी, इन सभी के द्वारा जो एक संयुक्त प्रयास किया गया। और कल जो है हम लोगों ने इन दोनों गाड़ियों को भी रिकवर किया और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सभी गिरफ्तारी की गई है। ये जो चार लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। मृत्युंजय सिंह, सुधीर सिंह, अंटू कुमार और बयास सिंह। इसमें ये सभी लोग जो हैं बिहार के रहने वाले हैं, बक्सर जिला के, और ये पूर्व में भी इसी तरह के कांडों में लिप्त रहे हैं। जो अभी तक हम लोगों की सूचना है इसमें चार केसेस के बारे में जानकारी आई है। इनका MO ऐसा ही है जिसमें कि ये गाड़ी का लूट करते हैं और उस लूट की हुई गाड़ी का इस्तेमाल जो है शराब के अवैध व्यापार में इस्तेमाल करते हैं, उसके कैरिंग करने में। इनका अपराध की आरोपी बयान भी हम लोगों ने ले लिया है और अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जो इन लोगों के द्वारा गाड़ी रिकवर मतलब यूज़ की गई थी वो I-10 मेक की थी। दोनों गाड़ी रिकवर है और उसको हम लोग आगे जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं।